थाना नूरपुर इलाके की रहने वाली युवती ने शादी का झांसा देकर नगर के इंडियन होटल और जलसा रेस्टोरेंट में ले जाकर एक युवक पर दुष्कर्म और कुकर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं नूरपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर होटलों के रिकॉर्ड भी खंगालने में लग गई। वहीं आरोपी घर से फरार बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके के गांव रहटा बिल्लोज इलाके का है। थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि गांव के ही अजरुद्दीन सैफी ने मुझसे शादी करने का झांसा देकर नूरपुर के इंडियन होटल में और जलसा रेस्टोरेंट में ले जाकर पिछले एक वर्ष से मेरे साथ शारीरिक संबंध करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने मेरी अश्लील वीडियो बना रखी है जिन्हें बार बार वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कई बार मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा गर्भपात भी करा चुका है। पीड़ित ने बताया कि अब अजरुद्दीन शादी से मुकर गया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी मेरी वीडियो वायरल करने की धौंस देकर मुझसे करीब 1,00,000 रुपए भी हड़प कर चुका है। जब मेरे पिताजी ने 25/10/2022 की सुबह उनसे निकाह के लिए बात की तो अजहरुद्दीन के भाई सिराजुद्दीन व अरमान चाचा आकिल ने गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़िता की तहरीर के आधार पर नूरपुर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं नूरपुर के इंडियन होटल में नूरपुर पुलिस ने जाकर मौके पर जांच पड़ताल की है। सवाल ये उठता है कि नूरपुर के होटलों में कमरे तक किराए पर दिए जाते हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन तक उनके पास नहीं है। नूरपुर में जिस्म फरोशी के कारोबार की चर्चाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से एक भी होटल पर कार्रवाई नहीं की गई है, जो सोचने वाली बात है। देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी पर, सच सबसे आगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कहाँ की रहने वाले? रहटा बिल्लोज। क्या घटना हुई आपके साथ? एक लड़के ने मेरे साथ, एक साल से मेरे साथ था, ठीक है, मेरे साथ सब कुछ किया, हर जगह मुझे लेके गया, ठीक है, मेरी वीडियो भी बनाई, मेरा फोटो भी खींचा और मुझसे पैसे भी लिए। पैसे देने से मना करती थी तो मुझे फोटो नेट पर डालने की धमकी देता था, ठीक है। और फिर मैंने जब बाद में पैसे मांगे ना शादी, उनसे बाद में कहा कि शादी करूँगा, शादी करने से मैंने कहा तो फिर मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर दिया, अब कुछ करेगी अंत से कुछ नहीं होने का है, ठीक है। घटना इसकी कुमार खेर रेस्टोरेंट है, वहाँ की भी है, इंडियन की जी जी, मतलब वो लोग मिले नहीं, ठीक है। 15 अगस्त से बात की हुआ है जी, कर ली अब ये चाहती या तो वो मुझसे निकाह करे या फिर जेल जाए। अब वो ये कहता है, धमकी देता है उसका भैया क्या कुछ नहीं कर सकता, सराजुद्दीन अजरुद्दीन पिता का नाम सरफराज, 1 साल हो गया। अरे अगर कहीं गए तुमने इसका साथ दिया तो तुम्हें गांव से निकाल देंगे।